डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास फाइव का मैथ चैप्टर सिक्स को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर सिक्स में सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, तभी हम लोग इसके बारे में समझ में आएगा। इसका जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, तभी ऐसा हो सकेगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर का नाम है कॉमन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया है, और जब भी कोई चैप्टर दिया रहता है उसका क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले जो कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके बारे में पहले ही बतला दिया जाता है। तो बच्चे लोग अक्सर इसको स्टडी नहीं करते हैं, इसीलिए वो जान नहीं पाते हैं, वो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन स्टैंडर्ड फोर वी हैव लर्न अबाउट फ्रैक्शन। क्लास फोर में ही हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से लाइक, अनलाइक, यूनिटी, इक्विवेलेंट, ये सब फ्रैक्शन के बारे में क्लास फोर में बताया जा चुका है। और इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल ब्रीफली मेंशन, इस चैप्टर में संक्षिप्त में, ब्रीफली मतलब संक्षिप्त में बताया जाएगा प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें जो कुछ भी पहले हम पढ़ चुके हैं उसको तो पढ़ेंगे ही, और इसमें बताया जाएगा प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ये आगे बताया जाएगा इस तरह का। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है, ये है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन जानेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे उसका लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए हॉल। एक पूरा नंबर ले लेते हैं, हॉल मतलब पूरा, ठीक है। तो एक पूरा जो है उसके लिए समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पूरा गोल ले लेते हैं, एक पूरा गोला ले लेते हैं, ये एक पूरा गोला ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, तो कम्प्लीटली इसको थ्री भाग में डिवाइड कर देना है, इक्वली थ्री भाग में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इक्वली थ्री भाग में डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया वन टू थ्री, थ्री भाग में इक्वली डिवाइड हो गया। अब क्या है कि इसमें से टू लिया, ऊपर में टू दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नमरेटर, यहाँ पर नमरेटर लिखा हुआ है, नमरेटर, और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो टू लिया हुआ ऊपर में, तो इसका मतलब है कि थ्री का टू भाग हमको यूज़ करना है। तो यूज़ करना है तो मतलब ये टू भाग जो है ये यूज हो जाएगा, ये पूरा तीन भाग है, इक्वली तीन भाग है, उसमें से दो भाग यूज हो गया है यहाँ पे। तो इसी का जो फ्रैक्शन बोलते हैं, इसी तरह का फ्रैक्शन ऐसा ही होता है, इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पर और दिया हुआ है, पूरा नाइन भाग है, नीचे जितना दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए वो पूरा भाग है, नाइन पूरा भाग हो गया, और उसमें से पाँच भाग यूज़ किया गया। यहाँ पाँच भाग है तो पूरा पाँच भाग है, उसमें से ग्यारह भाग यूज़ किया गया, इलेवन भाग यूज़ किया गया। इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये नीचे कम है और ये ज़्यादा है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें दो ठो ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, इक्वली तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि इक्वली हो गया है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे फाइव फाइव हो गया, तो टेन भाग हो गया। लेकिन एक भाग इसमें और लेना पड़ेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको एक गोला और बनाना पड़ेगा। ये जो है ये हो गया, और इसको फिर हम इक्वली बांट दिए, इसको वन टू थ्री फोर फाइव इतना बांट दिए। अब इसमें से तीन गोला में से हमको पाँच, इलेवन भाग लेना है, तो यहाँ फाइव हो गया, एक गोला पूरा ले लिए, और फिर एक दो गोला हो गया, टू हो गया, और इसमें से कितना हो गया, टेन हो गया, और इसका एक पार्ट लेंगे, वन पार्ट, यहाँ पे इसका वन पार्ट ले लिए। तो ये हो गया एलेवन बाय फाइव, इस तरह से ये पूरा, ये दो गोला जो हो गया इसका पूरा पार्ट ले लिए हम, इस तरह से ये दो गोला का पूरा भाग ले लिए, और एक गोला का जो है वो पांचवा भाग लिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपको अभी जितना समझ में आता है आप उतना समझिए, और उसी के हिसाब से आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। इसके अलावा क्या होता है कि समय के साथ आप लोग जिस प्रकार से ऊंचे क्लास में जाएंगे उस तरह से आपकी समझ बढ़ेगी और आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो आप अभी जितना समझ रहे हैं उतना काफ़ी है। ये हो गया फ्रैक्शन, ऊपर वाले को नंबरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में आप सिंपली समझिए, उतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली समझिए कि जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है सेम होता है, आप देख रहे हैं सब सेम, एट 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 एट, सबका डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन हो गया, एक जैसा फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब अनलाइक फ्रैक्शन, एक जैसा फ्रैक्शन नहीं, इस तरह से बतला रहा है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपली आप समझिए कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, यहाँ पे देखें थ्री एट नाइन सेवन, सब अलग अलग है, तो जो सब अलग अलग होगा वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आप सीधा समझिए। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में आप सीधा समझ लीजिए कि जिसका नंबरेटर वन हो, जिसका नंबरेटर, जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर वन हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, खत्म होगी बात। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक जैसा, समांतर फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन को भिन्न कहा जाता है, समांतर भिन्न, वन बाय टू हो गया, अब टू बाय फोर हो गया, तो इसको अगर हम काटते हैं, अभी तो काटने के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, तो इसमें या अगले क्लास में आप समझ जाएंगे। तो इसको अगर काटते हैं तो काट के इतना ही आएगा, मतलब उसको सिंपल वे में लाना, आपको छोटा से छोटा रूप में बनाना है उसको, तो काट के यही आएगा, इसको काटेंगे तो यही आएगा, इसको काटेंगे तो यही आएगा। तो सबसे छोटा रूप जो आता है तो इसके साथ अगर मैच कर जाता है, सबसे ये छोटा है, इससे छोटा नहीं होने वाला, ये सब छोटा होगा, और छोटा होकर सब ये बनेगा, तो इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में सिंपली आप समझिए
कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और नंबरेटर छोटा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं सब बड़ा है, ये 3 है, ये 2 है, 7, 5, 11, 8 और ये 47, 31। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और नंबरेटर छोटा होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनता, याद रखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बनता है। तो इसमें और आगे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो नीचे छोटा होता है ऊपर बड़ा होता है, जिसका नंबरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा हमेशा। मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बनता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ये आपको आगे मिलेगा बनाने के लिए। तो ये एक्सरसाइज हम लोगों को कौन सा मिलेगा, तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करने के लिए मिलता है एक्सरसाइज 24। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पेपर में। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पेपर पे और एक्सरसाइज 24 को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। चैप्टर 6 है, कॉमन फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस, इसमें से लाइक फ्रैक्शन कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है वो सारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादातर हमको 8 नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में, और बाकी जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर है। जैसे कि यहाँ पे 8 है और फिर यहाँ भी 8 है, फिर यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, इतने सारे 8 है। इसके अलावा जो है एक 9 है और एक 17 है। इसको छोड़ के जितने भी फ्रैक्शंस है वो लाइक फ्रैक्शन है। तो क्या क्या है इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। 3/8 हो गया, 4/8, 2/8 और 7/8, ये हो गया। तो ये जो है ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन में मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन में उसका नंबरेटर जो होता है 1 होता है, जिसके ऊपर में 1 रहेगा वही यूनिट फ्रैक्शन है। तो इसके नंबरेटर 1 है, इसका नंबरेटर 1 है और इसका नंबरेटर 1 है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 हो गया, 18 और 1 19 हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 19/6। तो 19/6 का मतलब ये नहीं है, यहाँ 1 नहीं हुआ, ये 19 हो गया। इसका मतलब ये है और ये, तो मतलब यहाँ पे ये तीन फ्रैक्शन जो है वही यूनिट फ्रैक्शन में आएगा। 1/11 हो गया और 1/9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो रहता है वो बड़ा रहता है, बड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन बड़ा है, यहाँ नंबरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये नंबरेटर छोटा है, ये बड़ा है, मतलब ये होगा। यहाँ पे नंबरेटर 17 है, ये 19 है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये होगा, और यहाँ पे छोटा है, ये नहीं होगा। और इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 12 हो गया, 4 3 12 और 2 15 13 14 हो गया, 14/3। तो ये तो छोटा हो गया, नंबरेटर 14 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। यहाँ पे 18 है, ये छोटा है, तो यहाँ ये छोटा होने पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बड़ा है, इसका मतलब ये होगा। और ये 27, ये 41, ये बड़ा है, इसका मतलब ये होगा। तो इतने सारे जो टिक लगाए हैं वही सब आंसर होगा, 2/3, 17/19, 41, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, समांतर, मतलब वो भी बराबर है और ये भी बराबर। यहाँ पे पेयर में दिया हुआ है, तो ये जो कटने वाला नहीं है, प्राइम नंबर में जो आ जाएगा वो कटने वाला नहीं है। यहाँ पे ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो यहाँ पे 2/3, क्या ये काट कर 2/3 आएगा या नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये इसको हम लोग 2 से काट देते हैं। 2 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6, मतलब 2/ ये कट गया, अगर ये कट गया तो 2/3, तो 2/3 इसके इक्वल आ गया, मतलब ये है। तो इसको क्या लिखना है, सिर्फ एस लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो एस कर देते हैं इसको। और ये सबसे छोटा है और इसको बनाना है, तो 5 3 जा 15, तो 5 से डायरेक्ट कट जा रहा है, 5 3 जा 15, 3 बार में कट गया, ये 1 ऊपर में आ गया। तो यहाँ पे 1/3, ये 1/3 इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2/9 अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 4 का टेबल में तो 12 आएगा, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, मतलब यहाँ पे 1 और ये 3, तो 1/3 आ रहा है और यहाँ पे 2/9 है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, तो ये 9 हो गया। और यहाँ पे 7 11, ये प्राइम नंबर में है तो ये तो कटने वाला नहीं है, ये इसको काटते हैं हम लोग,
थ्री का टेबल से काटेंगे, थ्री सेवन जा थ्री, सेवन जा 21 हो गया, और त्रिवन जा थ्री, त्रिवन जा थ्री, 11 बार में ये कट गया, तो मतलब ये भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर एस हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे एस, और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। जैसे 2/3 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे बनाना है, इसका समांतर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे इसके इक्वल में दिया हुआ है 3 और यहाँ 9 दिया हुआ है, तो 3 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 3 3 जा 9, तो इसको 3 बार पढ़ें तो इसको भी हमको 3 बार पढ़ना है, 2 3 जा 6, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। और जहाँ पे दिया हुआ है उसको हम देखते हैं, 7 का टेबल कितना बार पढ़ के यहाँ पे ये मिला हुआ है 21, तो 7 3 जा 21 हो गया, तो इसको भी हम उतने ही बार पढ़ेंगे। 9 3 जा 27 ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसको मिलाते हैं हम, 3 का टेबल कितना बार पढ़ रहे हैं कि 6 आ रहा है, 3 2 जा 6, इसका मतलब है कि 10 का टेबल भी हम 2 बार पढ़ेंगे, 10 2 जा 20, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट जो है ये डी नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 के इक्वल में दिया हुआ है 35, तो 5 7 जा 35, तो 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा 84, तो 84 होगा इसका, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे इसके आंसर हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे कहा गया है रीराइट एज डिवीजन सम। यहाँ पे डिवीजन सम में लिखने के लिए कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 7 नंबर में जिस तरह से लिखा गया है, तो 6 नंबर क्वेश्चन को 7 नंबर के जैसा बनाना है, और 7 नंबर क्वेश्चन को 6 नंबर के जैसा बनाना है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट में होता है जो नीचे होता है, जिससे डिवाइड दिया जाता है, तो ये हो गया 5/6, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 20/17, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20/17, काफ़ी इजी है ये। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो फिर बना नहीं पाएंगे, और अगर समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड देना है, 4/15, ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 31 को डिवाइड देना है, 31/16, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। और जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन नंबर 7 वही करना है, तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में बनाना है, रीराइट एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में लिखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3, जिससे डिवाइड दिया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ पे 19/37, ये हो गया 19/37, और यहाँ पे 46/98, ये हो गया, और यहाँ पे 90/100, ये हो गया, ये सारे जो है आंसर हो गया इसका। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए कहा गया, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाना काफ़ी आसान होता है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, इसको करके दिखा दे रहा हूँ, किसी एक को दिखाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 उससे डिवाइड दिया जाता है, तो आप डिवाइड दे देते हैं इसको, 8 से डिवाइड दे दीजिए 9 को, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 8 1 जाए 8 1 बच गया, तो ये यहाँ हो गया 1 बच गया, तो यहाँ पे बनेगा, ये बीच में रहेगा इस तरह से, ये 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, और जो नीचे पहले से है वो नीचे ही रहेगा, बस इस तरह से कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 and 1/8, ये इसका आंसर हो गया। 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 35 यहाँ दिया हुआ है, 11 को डिवाइड करते हैं तो 3 बार में 33 जाएगा, तो 33 अगर इसमें से निकल जाता है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, 33 को 3 बार में जा रहा है, 11 3 जा 33, और 2 बच गया तो 2 ऊपर चला गया, और 11 जो है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। 7 का टेबल पढ़ के हम कितना बार में 41 ला सकते हैं, 41 तो आने वाला नहीं है, तो कितना आएगा, 7 6 जा 42 आ रहा है, तो ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 5 जा 35 आ रहा है, तो 5 बार में लेते हैं, तो 5 इसका आंसर आएगा, 5 5 एंड, तो 35 इसमें से निकल गया, तो बचा कितना, 6 बचा, 6 बच गया ऊपर में, और ये हो गया नीचे, 7 हमेशा रहेगा, ये आंसर इसका हो गया, ये कंप्लीट। उसके बाद 10 का टेबल पढ़ेंगे और 43 लाना है, तो 43 तो आने वाला नहीं है, तो 40 आएगा, कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा, 4, तो बच कितना गया, 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे जो 10 है वो 10 रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीटली हम लोग बना सकते हैं। अब जो 8 नंबर में हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाए हैं, अब मिक्स फ्रैक्शन को फिर ऐसा बनाना है 9 नंबर में, यहाँ पे देख रहे हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना था, तो उसी तरह से यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में है और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे,
इस तरह से, जैसे कि मैं इसको करके दिखा देता हूँ, एक तो 11 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे 1 से और प्लस हो जाएगा इसमें 9, तो 11 वन जा 11 हो गया, यहाँ पे 11 और 9 और नीचे में हो जाएगा 11 रह जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ने से आ गया 11 और 9 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 और ये इसके नीचे आ जाएगा 11, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 4 जा 32, तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 4 जा 32 हो गया, 32 और 7 7 2 9 मतलब 39 हो गया, तो 39/8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39/8, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 12 5 जा 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 5 जा 60 और 4 64 हो गया, तो 64 और नीचे में जो 5 है वही रहेगा 5, ये इसका आंसर हो गया, काफ़ी ईजी है। और 113 × 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 113 का टेबल तो पढ़ नहीं सकते, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 113/7, तो यहाँ 7 3 जा 21 और 2 बच गया, 7 1 जा 7 और 2 9 7 1 जा 7। 791 में अगर 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 795 हो जाएगा, तो 795 7 बाय 7, ये 7 नीचे में रह जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे एक्सरसाइज 24 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। बच्चों जिस तरह से मुझे कमेंट मिलते हैं उसी तरह का मैं आप लोगों को वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले एक बच्ची कमेंट की थी एक्सरसाइज 80 और 81 का, तो मैं किसी तरह से उसको कम्प्लीट किया, और इसके बाद किसी बच्चे ने मुझे एक्सरसाइज 25 का बनाने के लिए कमेंट किया है, तो उससे पहले 24 है इस चैप्टर में जो है, तो इसीलिए मैं पहले 24 को कंप्लीट कर देना चाहता हूं, जो कि कंप्लीट कर दिया, और इसके बाद मैं 25 का सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। तो इसी तरह से जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मेरे साथ बना रहेगा उसी तरह से मैं आप लोगों का हेल्प करता जाऊंगा। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।